साढ़े को तीन दरिया ने रावी ब्यास ते सतलुज ये तिने उपरों पहाड़ा जो पंजाब विच दी वग के ते पाकिस्तान चल जाते हैं ये किसी होर स्टेट को टच नहीं करते ना हरियाणा को टच करते हैं ना राजस्थान को टच करते हैं इस करके ये इंटरस्टेट तो है ही नहीं गे तो मान साहब को मैं पूछना चाहना कि तुम इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल ये कि लागू करा लोगे पहली गल दसो सो साढ़े को पानी है नहीं गा असी दे ही नहीं सकते असी धरती का यूज़ कर रहे हैं और उदे करके साड़ी पंजाब स्टेट करजई हुई है। दोस्तों तुहानू सब नू पता वा कि अज केंद्र सरकार दे मिनिस्टर ने गजेंद्र शेखावत ने हरियाणा ते पंजाब दे मुख्यमंत्रियों नू सद्या वा कि आओ तुहाडा बैठ के एस वाई एल दे पाणियां दे मसले ते तुहाडा बैठ के समझौता करा दिए। पहली गल तां इंटरनेशनल रेपेरियन लॉज के मुताबिक साडा कोई समझौता हरियाणे नाल बणदा नहीं गा साढ़े कोई पानी फालतू नहीं गा। दूसरी गल बड़ी इंट्रस्टिंग है कि भगवंत मान ने एक स्टेटमेंट दी है जी अज अखबारों छपी है तुम सारे ने शायद पढ़ी होगी कि एक नवा ट्रिब्यूनल सैटअप किया जाए और ट्रिब्यूनल जोड़ा है मुड़ दोबारा नवे सिरे तो हरियाणे ते पंजाब दे दरियाई पानिया की असैसमेंट करे तो आधार के उत्ते मुड़ के जोड़ा है वा वह पानिया का फैसला किया जाए। मेरे हिसाब के नाल और मैनू बड़े अच्छे जड़े एक्सपर्ट ने रिवर वॉटर्स नू अंडरस्टैंड करते हैं इंटरनेशनल रेपेरियन लॉज नू अंडरस्टैंड करते हैं उन्होंने मैं कल दे कई बार सुनेहे आए टेलीफोन आए कि तुसी कृपा करके इस मसले नू पब्लिक डोमेन च लैके आओ क्योंकि साडा मुख्यमंत्री गलत इन्फॉर्मेशन दे आधारित किसी अफसरां दे कहण ते ब्यूरोक्रेट्स दे कहण ते एक नवा ट्रिब्यूनल मंग रहे ने जिहदे जिहड़ा अल्टीमेटली पंजाब नू मुड़ दोबारा नुकसान में पा देगा। फर्ज करो कोई ट्रिब्यूनल असं मान लें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैटअप करना ना और उस ट्रिब्यूनल जरा साढ़े खिलाफ़ फिर अवार्ड दे दिता तो फिर आप कहन जावे कि साडा पंजाब के दरियाई पानी जोड़े ने वह बचाने असी कहानी यह आ कि जोड़ा जो साडा देश आज़ाद होया जो संविधान बनया ना वो कोई प्रोविजन नहीं सी इंटरस्टेट रिवर वॉटर्स डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की कोई प्रोविजन नहीं रखे साढ़े उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि सूबे आपस में दरियाई पानी लैके झगड़े पैणगे। उस तो बाद 1956 एक नवा एक्ट बनाया पार्लीमेंट ने वह नाम है इंटरस्टेट रिवर वॉटर्स डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट 1956। हुण कहानी यह है कि इहदा टाइटल की कहिंदा इंटरस्टेट रिवर वॉटर्स डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एक्ट तो साढ़े का दरिया ही सिंगल स्टेट ने साढ़े को तीन दरिया ने रावी ब्यास ते सतलुज ये तिने उपरों पहाड़ा चो पंजाब विच दी वग के ते पाकिस्तान चल जाते हैं ये किसी होर स्टेट को टच नहीं करते ना हरियाणा को टच करते हैं ना राजस्थान को टच करते हैं इस करके ये इंटरस्टेट तो है ही नहीं गे तो मान साहब को मैं पूछना चाहना कि तुम इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल ये कि लागू करा लोगे पहली गल दसो और दूसरी गल जे आप होर ये थोड़ी जी टेक्निकैलिटी समझिए कि जिहड़े पंजाब के तीन दरिया वगदे ने इहनां दा जिहड़ा बेसन हैगा वह अलग आ ये जाके जो सारे पंजाब चो वग के पाकिस्तान चो वग के ये इंडस बेसन विच जाके मर्ज हो जाते हैं तो जिहड़े दरिया हरियाणे दे विच दी यमुना वगैरह जिहड़े वगदे ने वह अल्टीमेटली गंगा के बेसन विच जाके मर्ज हो जाते हैं डिफरेंट बेसन ऑल टूगैदर और इन्हां नूं सैपरेट करदा साडा घग्गर दा जिहड़ा दरिया वा वह ड्राई रिवर है इस वेले और कॉन्सटेंट रिवर नहीं गा वो एक सुक्का दरिया होने के नाते लकीली उसने दोनों बेसनज नूं अलग करता साढ़े दरियावां का पानी जाता इंडस बेसन विच ते इन्हां दा जाके यमुना का ते गंगा का यह सारा पानी जाता गंगा बेसन दे विच ते हुण मैनूं दसो कि साड़ी की तुक बनदी कि असी नवा ट्रिब्यूनल डिमांड कर लीए असी तां अपने उस स्टैंड ते रहीए कि असी सतलुज यमुना लिंक नहीं बन देनी चाहे कोई कोर्ट ऑर्डर करे साढ़े कोई गुंजाइश नहीं गी साडा किसान 1 लाख करोड़ तो उत्ते दा करजई आ साडा जिहड़ा पानी है वह असी जो साढ़े को दरियाई पानी नहीं मिलिया साडा दरिया दरियावां का पानी राजस्थान नूं देता गलत तरीके नाल हरियाणे नूं देता दिल्ली नूं देता साडे दरियाई पानी ना होण करके असी 14 लाख ट्यूबवैल पंजाब की धरती तो पानी कढ़न लग गए और कढ़दे कढ़दे अज नौबत है कि साडा ग्राउंड वाटर 500-600 फुट ते डिपलीट हो गया वा। नासा की सैटेलाइट्स उपर जिहड़ियां है उन्होंने पंजाब की धरती से अंडरग्राउंड पानी नू रेड स्पॉट किया होया लाल धब्बे के उत्ते दस्या कि अगर तुसी इस तरीके नाल पानी वरतते रहे तो एक दिन पंजाब जिहड़ा बंजर धरती होवेगा। सो साडे कोल तां पानी है नहीं गा असी दे ही नहीं सकते असी धरती का यूज़ कर रहे हैं और उहदे करके साडी पंजाब स्टेट करजई हुई है क्योंकि जो असी
ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ 1997 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਫਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ PSPCL ਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਬਸ ਵਿਆਜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਟੈਂਜੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ 1956 ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਨਸ ਅਲੱਗ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸ ਬੇਸਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਬੇਸਨ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਐਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ